म्हणजे आपण मागतच आहे हर पन्नास कोटी रुपये आम्ही खर्च करतो. त्याचे टेंडर्स सगळे जर बिलो वगैरे सगळं आतमध्ये काढलं तर 33 कोटी सत्तीस पैकी घेतो 35 का 33 कोटी म्हणजे देअर आर देअर इज सबस्टॅन्शियल सेव्हिंग. बरं काय म्हणजे 50 कोटी त्यांनी मांडले गेले सर पण होते कारण समोर मांडले गेले होते. आता ते बाकीचे पैसे तरी आम्हाला मिळाले अतिक्रमण है थोड़े बहुत घर जाने वाले तो वन वे के लिए एक वो 9 मीटर मुझे लगता है ना उससे ज्यादा क्यों नहीं ठीक है ना. दोनों तरफ से एक वन साइड दोनों एक तरफ से आएंगे एक तरफ से जाएंगे जहाँ दोनों कंबाइन हो रही वहाँ की रोड हमारी वेट क्या है कमिश्नर साहब. देखिए ये चौक का जो रास्ता ये आ रहे हैं पूरे अभी एक साथ बंदे देता है ये देखो मुझे पूरे आ रहे हैं. सर आज आप कॉर्पोरेशन आए हैं कमिश्नर साहब से आपकी मीटिंग हुई क्योंकि आप बता सकें कि जनता बड़ी गैस अभी इंतजार कर रही है खाजा साहब. ठीक है जो सिटी चौक से जो रास्ता बन के रोहिला गली से होते हुए जा रहा है वहाँ पर जो ब्रिज का काम किया जा रहा है मैं कल वहाँ पर इंस्पेक्शन किया था और पहले ही ये बात तय हो चुकी थी कि जो गेट है वो गेट के दोनों तरफ से है तो रास्ते निकाले जाएंगे. तो एक तरफ जो है वो कब्रिस्तान का है तो कब्रिस्तान के लिए ऑलरेडी वो जगह छोड़ दी गई है. दूसरी तरफ जो है ये इतनी जगह हम निकाल रहे हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा घरों का फ़र्क नहीं पड़ेगा घरों को तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी लेकिन वो गेट के दोनों तरफ से अगर रास्ते मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ा रास्ता जो है सिटी चौक से ये तरफ आने वाले लोगों के लिए तो उसके ताल्लुक से उन्होंने ये बताया है कि हम इमीडिएट MSRDC को प्रपोज़ल भेजेंगे और अगर वक्त पड़ा तो वो फंड है तो इमीडिएट मिल जाएगा करके तो वो काम को उन्होंने सैंक्शन दे दिया है. दूसरा कई दिनों से कटकट गेट का काम रुका हुआ है वो कटकट गेट का काम किसी भी हालत के अंदर जो नियम के हिसाब से है वो नियम के हिसाब से रूल के हिसाब से उसको इमीडिएटली कंप्लीट करने के लिए. तीसरा अहम मुद्दा ये है कि गुंठेवारी कानून जो है वो सरकार ने जब लेकर आया तो उसका मकसद ये था कि बहुत सारे जो इलीगल कॉलोनियाँ बसे हुए थे ऐसे बहुत सारे इलीगल कॉलोनीज़ हैं जिनको एक मौका दिया जा रहा है कि उसको रेगुलराइज कर ले करके उसमें. अब दिक्कत ये है कि कई सारे लोग जो है वो गफलत में है कि हमारा कुछ होगा नहीं हमने इतने साल से रहते हुए आ रहे हैं लेकिन अगर आप गुंठेवारी के अंदर अगर रजिस्टर करवा लेते हैं आपकी प्रॉपर्टी जो है उसकी कीमत खुद ब खुद बढ़ जाती है. आज वो इलीगल प्रॉपर्टी है कल अगर आप बेचना भी चाहेंगे तो उसकी कीमत आपको इलीगल प्रॉपर्टी के हिसाब से ही मिलेगी. जैसे ही वो रेगुलराइज होंगी उसकी कीमत बढ़ जाती है. वहाँ पर ड्रेनेज का काम ले लीजिएगा रास्तों का काम ले लीजिएगा पानी का मसला जो है वो वहाँ पर काम महानगर पालिका कर नहीं सकती है. गुंठेवारी में आते ही वहाँ पर काम करने का अधिकार हो जाता है. अब कमिश्नर ने महानगर पालिका ने यह तय किया है कि पहले 30 सितंबर उसकी डेट थी हमने अनुरोध किया था कि उसको बढ़ा कर दिया जाए तो वो 30 अक्टूबर तक उसको बढ़ा दी गई है और उन्होंने साफ कर दिया है कि 1 तारीख के दिन है तो हमारे बुलडोज़र्स निकल जाएंगे हमारे JCBs निकल जाएंगे और है तो हम जो इलीगल है उसको हम तोड़ना शुरू करेंगे. तो मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि अभी भी आपके पास टाइम है. हमने अपने तौर के ऊपर ये किया है कि हम अपने पास एक कैंप ऑर्गेनाइज़ करेंगे महानगर पालिका के अधिकारियों को वहाँ पर बिठाएंगे जो भी लोगों को सहूलियत चाहिए वो सहूलियत और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको लगते हैं बहुत आसान सी प्रक्रिया है तो उसको कंप्लीट करके लोगों का जो इलीगल प्रॉपर्टीज़ है उसको रेगुलर करवा देंगे. तीसरा ये है कि जो जालना रोड से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस का जो डेवलपमेंट प्लान का रास्ता है जालना रोड से अगर डिविजनल कमिश्नर कलेक्टर ऑफिस आना है तो ये 7 मिनट के अंदर आप आ सकते हैं. आज अगर आपको यहाँ पर आना है तो पूरा घूमते हुए आना पड़ता है तो उसका स्टेटस के बारे में भी हमने बात किए है उसको डेवलपमेंट प्लान के अंदर डाल के उसको इमीडिएट करने के ताल्लुक से
चर्चा की गई है। पंचक्की का गेट जो टूट के पड़ा हुआ है, वो पंचक्की का गेट की वजह से ये है कि पंचक्की को टूरिस्ट जाने वाले हैं या यूनिवर्सिटी को जाने वाले हैं, बेगमपुरा और नंदनवन कॉलोनी वाले जाने, तो उसके लिए भी दिक्कत है। तो आज स्मार्ट सिटी के जो मीटिंग हुई है उसके अंदर ये प्रपोजल को भी पास किया गया है। अब हमको ये देखना है कि वो महज जो गेट है वो साढ़े चार फिट का गेट है उसके अंदर, वो हमेशा है तो आपको वहाँ पर ट्रैफिक की दिक्कतें आती रहेगी। तो हमारा ये है कि पंचक्की का जो ब्रिज है वो ब्रिज को चौड़ा किया जाए, वो ब्रिज को चौड़ा किया जाए और पंचक्की के बाजू जो एक रूम है वो उतना एक रूम निकल जाएगा उसके अंदर, तो वो गेट बहुत चौड़ा हो जाएगा, वहाँ पर भी ट्रैफिक की दिक्कतें कम हो जाएगी। तो इन बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए सर, बहुत सी बस्ती में ऐसे लोगों की सोच है कि खेतीवाड़ी करता है हमें बताओ से पैसा करना पड़ेगा, तो सारे उसके रहनुमाई के लिए सर देखिए हम इसकी पूरी जानकारी निकाल रहे हैं। आपने ज़मीन किससे खरीदे थे, वो ज़मीन बॉन्ड पेपर के ऊपर होंगी, वो सिर्फ वो एक बॉन्ड पेपर का आपको हर तो एक डॉक्यूमेंट आपको देने का है। आपने घर बना लिए, अब आपने घर बनाते वक्त उसके मार्जिन छोड़े क्या नहीं छोड़े, नियम के हिसाब से बनाए नहीं बनाए, ये कुछ नहीं देखा जाने वाला है। आपकी फाइल आपको लेकर आने का है और आपको एक रुपया भी खर्च नहीं करना है वो फाइल जिसके ज़रिए बना रहे। अब बीच में प्रॉब्लम यह हुआ है कि बहुत सारे दलाल लोग गए, एजेंट लोग गए और एजेंटों ने यह कहा कि आपको एक एक फाइल के 500 देना पड़ेगा, 1000 देना पड़ेगा, तो वो बेचारे लोग परेशान है कि ये पैसा हम लेकर आएंगे तो होगा नहीं होगा, एक रुपया किसी को नहीं देना है। तो 52 एजेंट्स जो है वो महानगर पालिका ने नियुक्त किए हैं, उन्हीं 52 एजेंट्स के अंदर से दो चार एजेंट्स को हम आइडेंटिफाई करके हमारे दफ्तर के ऊपर बिठाएंगे और लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, ताकि आपकी इमीडिएट प्रॉपर्टी, कल के दिन अगर आप ये नहीं करेंगे और ये समझेंगे कि मेरी प्रॉपर्टी कोई बचाने के लिए आ जाना तो कोई नहीं आएगा। आपको हम ये मौका दे रहे हैं कि आपकी इलीगल प्रॉपर्टीज़ को रेगुलराइज करने के लिए उसमें, तो आप ये डॉक्यूमेंट लेके आ जाइएगा, अपनी प्रॉपर्टी रेगुलराइज कर लीजिएगा और सुकून से रहिएगा। 31 दिसंबर तक टाइम हो गया तो सभी काम हो जाएगा। इतने महीनों से जब सो रही है कौम, तो वो 31 दिसंबर तक अगर आप गारंटी लेते होंगे कि पूरे कर लेंगे करके, तो एक साल बढ़ा देते हैं उसके अंदर। आपको सिर्फ एक सादा पेपर लेके आके अपना ये काम करने का है और इतने के लिए है, तो अभी 15 दिन 20 दिन बचे हुए हैं उसके अंदर ये काम कर लीजिएगा। सिर्फ 2 सेकंड।